असल व्यूअर्स माई निर्जवान चीमा आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लाबा आज के इस वीडियो में आपको चक्री रोड से जो मेन फ्लैगशिप गेट है वर्ल्ड सिटी इस्लाबाद का चक्री रोड पे उस गेट से लेके मेन आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो सेंट्रल एवेन्यू है ऑर्बिटल एवेन्यू और उससे होते हुए मेन ओवरसीज ब्लॉक जनरल ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली तीनों ब्लॉक्स का मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा इस पूरी वीडियो में इस वीडियो के बेसिकली तीन पार्ट्स होंगे पहले पार्ट में आपको सिर्फ ग्राउंड व्यू दिखाऊंगा साथ में कुछ एरियल फुटेज ऐड करूँगा सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगा जो मेन फ्लैगशिप चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे उसके हवाले से एक्सप्लेन करूँगा एंड थर्ड पार्ट में गूगल दस लोकेशन पर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कौन सा एरिया कहाँ पर बन रहा है तो उस हवाले से आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से काफी डिटेल इफॉर्मेशन मिल जाएगी याद रहे कि चक्री रोड पे बेसिकली दो गेट्स हैं ब्लोबल सिटी के एक तो गेट जो गेट नंबर वन आपको नजर आ रहा है ये फ्लैगशिप गेट है यानी सबसे पहले जो बनाया जाने वाला गेट था और सबसे शानदार एलिवेशन के साथ है वो ये गेट है इसी से आगे एडजस्टन तकरीबन आप कहें दो सौ मीटर के फासले पर दूसरा गेट भी बन रहा है जिसके बारे में अभी उसको ऑपरेशन नहीं किया गया बट बहुत जल्दी वो भी जब ऑपरेशन हो जाएगा तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को चक्री रोड पर दो गेट जो इंथाई शानदार होंगे वो ज़्यादा से ज्यादा ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास होंगे और दोनों गेट से एक्सेस अवेलेबल होगी ये जो ग्रैंड एंट्रेंस है ग्रैंड एंट्रेंस से सेंट्रल एवन्यू जो रोड एंटर होता है ये रोड एवन्यू सीधा लीड करता है जाके वाटर फ्रंट ब्लॉक की तरफ जहाँ पर आप सिर्फ एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये में प्लाट बुक कर सकते हैं छः मरला का इससे अगर आप लेफ्ट जाते हैं जहाँ पे सेंट्रल वार्क डिमार्क है सेंट्रल पार्क की डिमार्केशन हुई है इसी रोड को आगे लीड करते हैं ये ऑर्बिटल एवेन्यू है और ऑर्बिटल एवेन्यू लीड करते हैं की तरफ याद रहे कि ब्लूवल्ड सिटी में इस वक्त जो इस्लाम आबादा पिंडी में जितनी भी सोसाइटीज हैं उनमें सबसे लो कॉस्ट पर जो चीजें ऑफर हो रही हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इनिशियली जब चक्री रोड ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टार्ट हुआ था तो मैं भी कहता था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है पहले ऑलरेडी चक्री रोड पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आके फ्लॉप हो चुके थे तो जहर सी बात है कि लोगों को डिलेवरस नहीं मिलती थी बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पांच साल बाद आज देखें ब्लू वर्ल्ड सिटी तो जमीन पे हकीकत ही फॉर्म मौजूद है मैं पहले इसको चीज को कहता था कि यार ये नहीं कर पाएंगे लेकिन क्योंकि इनका प्रीवी History नहीं थी, developer की ऑन ग्राउंड तो ने एक अपनी value, एक brand value कर लिया है और Blue World City एक अभी जाना माना नाम है क्या आप पाकिस्तान में किसी भी से पूछें कि के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली हर बंदा आपको बोलेगा Blue World City का उसको पता है यानी इतना ब्रांड ये फेमस हो चुका है क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि जो प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं सान नज़ी साहब हो गए नईमी एजा साहब हो गए नदीम एजा साहब हो गए या डिफरेंट जो उनकी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका एक कमिटमेंट है कि हमने इस प्रोजेक्ट को जो लो कॉस्ट इन लो इनकम वाले लोग हैं उनको इस प्रोजेक्ट में अकोमोडेट करना है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपके सामने बिल्कुल हॉर्स मैस्कट्स नजर आ रहे होंगे ये जो हॉर्स मैस्कट्स हैं बेसिकली ये एक अपने ओन पे एक रिकॉर्ड है कि एक गनीज बिल्कुल रिकॉर्ड में दोनों का नाम दर्ज है और ये अपने ओन पे यानी ब्लोअ सिटी के पास इस वक्त जो है कोई उस वक्त रिसोर्स मौजूद नहीं थे कोई वसाइल मौजूद नहीं थे अपने ओन उन पे उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इनिशिएट लिया अपने फ्लैगशिप गेट से अपने हॉर्स मैस्कर से अब आगे ब्लू माउस का रेप्लिका भी बन रहा है उसके अलावा टॉर्च होटल का रेप्लिका भी बन रहा है उसके साथ साथ यहाँ पे बुरजुल अरब का रेप्लिका भी बन रहा है इस तरह डिफरेंट रेप्लिकाज हैं ट्रफलगर स्क्वेयर जो रेप्लिका है उसका ऑलरेडी बन चुका है डिफरेंट रेप्लिकाज हैं जो ऑन ग्राउंड अभी बन रहे हैं तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये इस वक्त तकरीबन दो ढाई लाख केनाल की सोसाइटी बन चुकी है तो इनकी डिलीवरेंस की स्पीड क्या है इसी रोड का लीड करते हैं बेसिकली आज की डेट में ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कोई 300-400 फुट का रोड मौजूद नहीं है लेकिन ये जो रोड आपको नजर आ रहा है इसी रोड पे तमाम ब्लॉक्स आते हैं अभी जितने ब्लॉक्स बैलेट हो चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की टाइम टू टाइम बैलेटिंग होती रहती है अब जितने ब्लॉक्स बैलेट हो चुके हैं वो सारे के सारे इसी रोड पर हैं और आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है कि मैं आपको एंट्रेंस रोड से अभी मैं गूगल एफ पर मेयर भी करूँगा इसका डिस्टेंस कितना बनता है कि कितने किलोमीटर का रोड ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलप कर दिया है अब लेफ्ट साइड पे जो आपको रेप्लिका नजर आ रहा है ये बुर्जुल अरब का रेप्लिका है और इसकी बैक साइड पे सारा जो है वो आपका गोल्फ सॉरी जो फार्म हाउसिस का ब्लॉक है हॉलीवुड ब्लॉक वो आता है हॉलीवुड ब्लॉक में इनफैक्ट एक फार्म हाउस है जो बन भी चुका है इसका स्ट्रक्चर भी कम्प्लीट हो चुका है यानी कि वो ऑपरेशनल है इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जो जो साइड पर कंस्ट्रक्ट हो रही हैं तो ये जो मैंने बात की थी रेप्टिका की इस वक्त जो है रेप्लिका के तरीबन नौ फ्लोर्स जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो ऑलरेडी मौजूद हैं अभी इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर अभी एक गाड़ी लेफ्ट हो रही है यहाँ से अगर देखें तो आप प्रॉपरली रेजिडेंशियल एरिया शुरू होता है इनिशियल फेज़ में अभी तक जो आपने फुटेज देखी है यहाँ पे ऐसा कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं था यहाँ पे मोस्टली कमर्शियल एरिया था मोस्टली जो था वो टूरिस्ट स्पॉट्स थे यहाँ पे आप देखें ना फ्लैग जो फ्लैगशिप इन्होंने बनाया है बेसिकली हॉर्स मैस्कर्ट्स इसके नीचे इस वक्त जो है वो कॉफ़ी प्लांट का मौजूद है फ्रेंचाइज मौजूद है अब जितने लोग विजिट्स करते हैं स्पेशली अगर आप संडे को जाते हैं यहाँ पर तो आपको काफ़ी रश देखने को मिलता है ए ब्लू वर्ल्ड सिटी एक दरअसल बात है इस्लाम से दूर सोसाइटी है तो वहाँ पर अगर आप इतना रश मिलता है इतना फुटफॉल मिलता है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जब यहाँ पे आते हैं उन लोगों के पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पे इस वक्त ब्लोअ सिटी की फॉर्म में राइट नाउ जो मौजूद है अभी जो आगे राइट साइड पर फोर्स कॉलेज है और फोर्सेज कॉलेज ऑलरेडी ऑपरेशनल है बड़ा फ्लैगशिप कैंपस है आई थिंक इसका एक सौ अस्सी के एरिया है मैं बाद में गूगल पर देखता हूं तो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा ये ट्रफलगर स्क्वेयर से राइट साइड पर जाते हैं ना ये जो आपको रोड ट्रफलगर स्क्वेयर नजर आ रहा है राइट साइड पे जहाँ पे इसके अगर चार साइड्स काउंट करें लेफ्ट साइड पे ज्यादा जनरल ब्लॉक है और राइट साइड पे इसका जो है वो अपना फोर्सेस कैड कॉलेज है और वो आगे लीड करता है डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ या डिफरेंट ब्लॉक्स की तरफ जो इसके जनरल ब्लॉक के आते हैं या जनरल ब्लॉक के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स में डिवाइड है सेक्टर वन सेक्टर टू सेक्टर थ्री सेक्टर फोर सेक्टर फाइव सेक्टर सिक्स सो फॉर एंड सो ऑन इन्हीं सेक्टर्स पे जो है पूरा जनरल ब्लॉक लोकेटेड है राइट साइड पर मेरे जो दोबारा कमर्शल्स आ गए हैं चार चार कनाल कमर्शियल हैं उनकी बैक साइड पे सारा जनरल ब्लॉक है अब आगे जाके जनरल ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और जनरल ब्लॉक से आगे आपकी जो प्रेमिस शुरू होती हैं वहाँ से आपको स्टार्ट होता है आपका जो मेन इस वक्त जो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं एक है ओवरसीज़ ब्लॉक नंबर वन नंबर टू स्पोर्ट्स वैली अब स्पोर्ट्स वैली की वजह से ये वीडियो बनी है बेसिकली क्योंकि स्पोर्ट्स वैली का जो आपका स्ट्रक्चर देखें जो स्टेडियम बन रहा है जिसमें फिफ्टी लोगों की बैठने की कैपेसिटी होगी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और ब्लूवर्ल्ड सिटी के साइड पर उस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन इस वक्त जारी भी है मैं आगे जाकर वो दिखाता भी हूँ इनफैक्ट मैं बाद में ट्राई करूंगा कि मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूँ कि जिसमें से स्पोर्ट्स वैली को स्टेडियम को हाईलाइट करूँ कि वहां पर इस वक्त डेवलपमेंट कितनी हुई है अभी इतना जितना पार्ट देखा आपने ये रूटीन में तकरीबन तो आई थिंक बारह मिनट की फुटेज है जो रोड से बारह मिनट ट्रैवल करते हैं मेन रोड के ऊपर तो बारह मिनट तक ऐसा कोई हम्प नहीं आता बीच में क्योंकि बीच में कच्चा पार्ट नहीं आता कि यहाँ पर रोड ना कारपेटेड हो ये तमाम पार्ट जो कंप्लीट है अब जहाँ पे जनरल ब्लॉक का एंडिंग पार्ट है यहाँ पे जनरल ब्लॉक है जहाँ सरीन विलास बन रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर प्र, सामने कमर्शियल एरिया जो है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है स्पेशली मर्कली टावर मर्कली टावर एन एस सिक्स और इसके अपोजिट साइड पर सर आपका हॉलीवुड ब्लॉक आता है हॉलीवुड ब्लॉक में फार्म हाउस अवेलेबल हैं ये इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक्चुअल जो डेवलपमेंट की अपडेट है जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली थर्ड वीक ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की है इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि इसकी मैं वीकली नहीं तो मंथली ट्राई करूँगा डिटेल से वीडियो बना सका करूँ कि जिन मेबर्स की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉपर फॉलोअप मिल सके कि इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करती है आगे राइट साइड पर आपको जो वाटर टैंक नज़र आ रहा है उससे पहले कुछ एक कैंप नज़र आ रहा है ये बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी का कैंप ऑफिस है जो जनरल ब्लॉक में है इस कैंप ऑफिस में ब्लू वर्ल्ड सिटी की जितनी मशीनरी है वो यहाँ पे पार्कड होती है यानी अगर आप साइट विजिट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े तादाद में आपको बहुत बड़े नंबर्स में मशीनरी यहाँ पर नज़र आएगी जो रूटी में क्यों यहाँ ट्वेंटी आवर की शिफ्ट होती है तो एट एट आवर्स के हिसाब से यहाँ पर लोग जाते हैं अपनी मशीन ले और काम करते हैं फिर वापस आते हैं फिर रिप्लेसमेंट होती है यानी कि तीन शिफ्टों में यहाँ पे काम होता है 24 फोर आवर काम चल रहा है अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइड बहुत बड़ी है यानी अगर टेक्निकली देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इस वक्त वो दुबई को क्रॉस करने की बातें हो रही हैं जो मैनेजमेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी की स्पेसिफिकली चेयरमैन साहन नजीर साहब हैं इस है साइड कि हम चाहते हैं कि इसको हम दुबई से बड़ा टूरिस्ट सिटी बनाएं पाकिस्तान की तरफ लोग अट्रैक्ट हों जस्ट बिकॉज ब्लू वर्ल्ड सिटी लेट्स ये बात कितनी सच्च होती है लेकिन अब तक ऑन ग्राउंड देखें तो उन्होंने वाकई डिलीवरी करके दिखाई है यहाँ पर जनरल ब्लॉक की प्रेमिस खत्म होती हैं और जनरल ब्लॉक का जहाँ से गेट खत्म होता है प्रेमिसज खत्म होती हैं आगे राइट right साइड पे सारा आपका ओवरसीज ब्लॉक है अब ये जो सनसेट एवेन्यू आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे सारा आपका ओवरसीज ब्लॉक है अच्छा ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में बहुत सारे लोग ना मैसेज करते हैं कि ओवरसीज ब्लॉक में डेवलपमेंट की अपडेट मैं ट्राई किया करूँगा कि एक एक डिस्ट्रिक्ट की ना यानी ओवरसीज ब्लॉक में आई थिंक एक से लेकर दस तक डिस्ट्रिक्स हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट की ना मैं सेपरेटली वीडियो बना दूँ ताकि हर मेम्बर को उनकी जिन में उनका प्लाट बैलेटेड है उनको उसके हवाले से अपडेट मिल सके कि उनका प्लॉट आज की डेट में कहाँ स्टैंड करता है और इसी रोड से आगे आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वैली की तरफ है और स्पोर्ट्स वैली में जो जिस गेट पर जा निकलता है डिफेंस रोड पर वो जाके आके चक्री रोड से मिलता है बेसिकली चक्री रोड ही है जिससे जाके मिलता है तो बेसिकली स्पोर्ट्स वैली प्लस जो जनरल ब्लॉक है बल्कि इनफैक्ट स्पोर्ट्स वैली ज़्यादा पहले आता है चक्री रोड पे यानी स्पोर्ट्स वैली अगर चक्री रोड पे आप जाएँ सिहाल का जो पॉइंट है उसके पॉइंट से आके सारा जो है स्पोर्ट्स वैली आता है तो अगर आप सदर से आ रहे हैं टूवर्ड्स तो चक्री इंटरचेंज तो स्पोर्ट्स वैली की प्रीमिसिस पहले आएंगी उसके बाद फिर आगे जाके गेट नंबर टू आएगा फिर गेट नंबर वन अब मुझे नाम नहीं पता है गेटों के लेकिन जो गेट्स हैं पहले जो नया गेट बन रहा है वो आएगा उसके बाद दूसरा गेट आएगा अगर आप चक्री से आ रहे हैं यानी कि मोटरवे से उतर के जा रहे हैं टूवर्स तो सदर जा रहे हैं पिंडी बेस की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे पहले आपके जो आता है राइट साइड पे पहले आपका गेट वन आता है फिर गेट टू आता है अब ये स्पोर्ट्स वैली की प्रिमिस में एंटर हो गया हूँ अब ये स्पोर्ट्स वैली की प्रीमिसिस हैं अब मैं जहाँ एंड तक जाऊँगा ये सारे का सारा रोड जो आई थिंक इसकी वेथ है वन ट्वेंटी फीट बाद में अर्थ पर देख लेता हूँ उस व्रथ के हिसाब से ये सारे का सारा जो पार्ट है वो कारपेटेड है इसमें कोई भी हम्प्स नहीं है कोई ऐसा एरिया नहीं जो नॉन डेवलप हो और राइट साइड पर जितनी काम हो रहा है जितनी मशीनरी आपको लगी हुई नजर आ रही है ये सारी ये बेसिकली राइट साइड में जहाँ से, से स्पॉट से भी गुजर रहा हूँ रिसेंटली हम जब ब्लू ओल्ड सिटी मैनेजमेंट के साथ हम कतर गए थे जब शिव अख्तर इनक्लेव का अफ्तार था तो वहाँ पर उन्होंने इस टॉर्च होटल के बारे में बताया था कि जो कतर में टॉर्च होटल बना हुआ है उसका रेप्लिका हम ब्लू ओल्ड सिटी में बनाएंगे तो राइट साइड पर जो टॉर्च होटल है उसके सारी प्रीमिसज हैं यहाँ पर ब्लू ओल्ड सिटी ने एरिया रिजर्व कर रखा है फॉर टॉर्च होटल ये उसी मेन रोड के दरमियान में आपको लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी के लिए एरिया मिलता है एक राउंड बाउट है इसी राउंड बोट से आप आगे प्रोसीड करते हैं तो राइट right साइड पे सारा आ जाता है आपका स्पोर्ट्स वैली और सारे स्टेडियम के प्रीमिसेस और यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं तो आगे आपका दोबारा वही डिफेंस रोड और चक्री रोड आ जाता है अब उस साइड की क्योंकि बहुत कम फुटिजेज़ आपको नजर आती हैं वीडियोस नजर आती हैं सोशल मीडिया पे तो इतना आपको आइडिया नहीं होगा कि उस साइड की डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है बट उस साइड अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर आपको एज और कारपेटेड रोड मिलता है जो मुकम्मल है इस वक्त डेवलप है और पोजेशनेबल है अगर वहाँ पर कोई इंडिविजुअल चाहें जिनका स्पोर्ट्स वैली में प्लाट ब्लॉट बैलेट हुआ है और अपने प्लाट पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो उनके पास ये विंडो मौजूद है कि अपने प्लाट पर कंस्ट्रक्शन करके अपना घर में वो रह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल सिटी की तरफ से अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं ये स्टेडियम के नेबरहुड की फुटेज है यानी स्टेडियम जो प्रीमियर सीजन स्टेडियम की थ्री सिक्सटी डिग्री में उसमें जो काम हो रहा है उसकी फुटेज है अब ट्राई करूँगा बाद में जब पूरे एक ब्लॉक वाइज वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको मैं शायद ज़्यादा एक्सप्लेन क्लियरली कर पाऊँ तो देखूँ एक सनराइज वीडियो है एक डिटेल्ड वीडियो है कि ओवरऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आप एंटर होते हैं चक्री रोड से तो आपको कितने किलोमीटर का सफर तय करके जो मेन डिफेंस रोड है जहाँ तक आप जा सकते हैं कितना एरिए पे काम हुआ है लेफ्ट साइड पर सारा जो है स्पोर्ट्स वैली है राइट साइड पर सारा स्पोर्ट्स वैली की जो मेन अम्यूनिटीज़ हैं स्पेसिफिकली क्रिकेट स्टेडियम स्पेसिफिकली जो क्रिकेट स्टेडियम के नेबरहुड में कमर्शल होंगे उसका एरिया आता है और लेफ्ट साइड पर सारे का सारा एरिया जो है है, जिसको चक्री रोड पे डिफेंस रोड पे, दूसरा गेट लगता है मैं डिस्टेंस भी तो उसके वाले से आपको डिटेल आइडिया मिल जाएगा इस पॉइंट पर आगे मैं बल्कि से पहले मैं ट्राई करता हूँ ये रोड जो है सीधा जाके आपको एंड टू एंड गेट से मिलाता है इस पे एंड, एंडिंग पार्ट में शामिल करता हूँ यहां पे मैं गूगल अर्थ की इमेजेस ऐड करता हूँ और गूगल अर्थ की एक्सप्लेनेशन जहां पे आपको अच्छी तरह आइडिया हो सके वर्ल्ड सिटी एक्चुअल इस वक्त कहां तक स्टैंड करता है देख सकते हैं एक क्योंकि ब्लो ओल्ड सिटी के जो मैप्स हैं वो स्टेप वाई रिलीज हुए हैं जैसे फॉर एग्जांपल पहले जनरल ब्लॉक आया था उसके डिफरेंट सेक्टर्स के ब्लॉक आए थे उसके बाद फिर ओवरसीज ब्लॉक आया था उसके बाद फिर वाटर फ्रंट आया था फिर स्पोर्ट्स वैली आया हा जो अवमी ब्लॉक है वो आया है अब उन ब्लॉक्स की इसमें स्पेसिफिकली आपको सिर्फ एंट्रेंस गेट से लेके जो मेन शुरू वाला मैप है वो एक्सप्लेन करूँगा और इससे आगे साथ में ऐड कर दूँगा कि कहाँ तक जाके इस ब्लोल्ड सिटी ने डेवलपमेंट कर रखी है और ये जो आपने रोड की वीडियो देखी दस मिनट की इस रोड की लेंथ क्या बनती है राइट ना हो ये एंट्रेंस गेट है चक्री रोड पे जो वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में था अगर आप फिज़िकली देखते हैं तो ये ऑन ग्राउंड गेट जो है अभी एग्जिस्ट करता है आज की डेट में ये फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे गेट मौजूद है इसी पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करते हैं स्केल पे मैं आपको पहले मैयर कर लेता हूँ डिस्टेंस कि एक्चुअली कितना डिस्टेंस बनता है इन किलोमीटर्स के जो रोड ऑलरेडी डिलीवर साइड पर हो चुका है अब इसी रोड से फॉर एक्जाम्पल ये एंट्रेंस गेट है इससे आप सीधा जाते हैं इस तरफ तो ये आपका स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सॉरी वाटर ब्लॉक की तरफ आता है वाटर ब्लॉक की प्रीमिसज जो हैं वो बेसिकली इस तरफ आती हैं ये आपकी इस रोड सीधा स्ट्रेट क्रॉस करते हैं ये सारा एरिया जो बनता है आपका इनफक्ट मैं पहले इसको खत्म कर दूँ बाद में मेयर करता हूँ ये सारी जो प्रोमिसज बनती हैं आपकी वाटर फ्रंट की हैं इसकी मैं सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की वीडियो पोस्ट करूँगा इनफैक्ट इसकी जो डेवलपमेंट साइड की उसके वाले से आपको रेगुलर अपडेट करूँगा कि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्पोर्ट्स वैली में है तो उनकी अपडेट के लिए कि आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करती है मैं सारा आपको इसके हवाले से इन अपडेट कर दूँगा अब मेर करते हैं फिलहाल वक्ती तौर पर रोड की लेंथ मेर करते हैं कितना रोड है इस वक्त जो कार्पोरेटिंग हो चुका है और गूगल अर्थ पर चूंकि इमेजेज़ अभी तक अपडेटेड नहीं है स्पेसिफिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेकर तो जब वो अपडेट होंगी तो मैं आपको समझ वाले से डिटेल्स से एक्सप्लेन कर पाऊंगा अब ये जो पॉइंट है ये हॉर्स मैस्कट का पॉइंट है यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि ये अभी इमेजेस गूगल पे अपडेट नहीं है तो जब गूगल पे अपडेट होंगी तो तब एक्चुअल सही से आइडिया लगा पाएंगे लेकिन राइट right नाउ हम सिर्फ जम्पन बेस चलते हैं कि कितने किलोमीटर का रोड है जो कारपेटिंग जिसकी हो चुकी है इस पॉइंट तक देखें तकरीबन दो किलोमीटर का रोड है यह बुर्जुल अरब का एप्लीका है इस रोड से अच्छा ट्विस्ट एंड चांस काफी ज्यादा हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के इस मेन रोड में ना ये ऑर्बिटल एवन्यू पर काफी टन आते हैं अच्छा राइट साइड में सर आपका जिस पॉइंट पे मैं हूँ ये जनरल ब्लॉक है यहाँ से जनरल ब्लॉक की प्रेमिस शुरू हो जाती हैं और आगे जाके ये जो मेन आपको कैंप ऑफिस नजर आ रहा है ये कैंप ऑफिस यहाँ पे जनरल ब्लॉक की प्रेमिस ख़त्म होती हैं और इसी से आगे मेन ये यहाँ तक रोड तकरीबन चार किलोमीटर का बना हुआ है यानी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आज की डेट में जो मेन रोड कारपेटिंग जिसकी हो चुकी है वो तकरीबन फोर किलोमीटर का है इससे आगे रोड लीड करता है ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो गूगल अर्थ पर अपडेटेड है एक्चुअल इतना नहीं है पाँच किलोमीटर का ये रोड है ये ओवरसीज़ ब्लॉक सारा राइट साइड पे ये पाँच किलोमीटर के अलावा मैं आपको चीज़ एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ अब शुरू में जब एंटर होते हैं शुरू में तो ये वाला जो पार्ट है ये हॉर्स मैस्कट्स का रेप्लिका है ये सामने वाटर थीम पार्क है उसके सामने अपोजिट साइड पे कमर्शियल एरिया है उससे आगे फिर यह बुरजलर का रेप्लिका है जिसके सराउंडिंग में पार्क्स होंगे और सेंटर में टावर होगा इससे अगर आप सीधा जाते हैं इसी रोड से तो ये मस्जिद का प्लाट है तकरीबन एटी थ्री पॉइंट नाइन टू कनाल की ये मस्जिद है और यहाँ पर जो फोर्स कैटेट कॉलेज में उसका एरिया दिखा दूँ ये फोर्स कैडेट कॉलेज अब ये जो कै कॉलेज है इसकी जो प्रिंसिस बनती आई थिंक वन एटी कनाल इसकी प्रिंसिस बनती हैं उसकी बैक साइड पर काफ़ी बड़ा ग्रैंड पार्क भी मौजूद है जो अपनी मिसाल आप होगा डेफिनेटली जब कम्प्लीट होगा इससे अब आगे मूव करते हैं तो ये मेन ये बिजनेस क्वियर है और ये सारा जो है मेन बिलवर्ड पर जो है आपके दो दो गज़ हज़ार गज़ के मैंने दो हज़ार गज़ के, 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 के आपके कमर्शियल प्लाट है यानी कि तकरीबन चार चार किनार के आपके कमर्शियल प्लाट आते हैं इसी रोड पर आगे लीड करते हैं तो इस पॉइंट पर आके आपका जनरल ब्लॉक ख़त्म हो जाता है और राइट साइड की जो प्रेमिसज हैं सारी फॉर एक्जाम्पल जो ये वाली प्रेमिसज आती हैं ये वाली सारी प्रीमिसज ये आपकी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आती हैं और इसकी मेरे पास अपडेटेड इमेजेस हैं वीडियोस हैं मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ में पोस्ट करूंगा कि आगे ये डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है इस तरह सारा आगे आपका ओवरसीज़ ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक से आगे यहाँ से आके आप लेफ़्ट लेते हैं टुवर्ड्स दिस साइड अब ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा एरिया मैं अगर इसमें एक, एक सर्कल ड्रा कर पाऊँ ये जो प्रीमिसिस आपको नज़र आ रही हैं ये प्रीमिसिस सारी जो आपकी स्पोर्ट्स वैली में आती हैं इसमें यहाँ पे भी एक गेट बन रहा है ब्लूड सिटी का ये वाला गेट है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है जब इमेजेस गूगल पे अपडेट होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आइडिया हो सकेगा ये सारा स्पोर्ट्स वैली है अब स्पोर्ट्स वैली देखा जाए तो अपोजिट तकरीबन अप्रोसीमेट मैं यहाँ पे मास्टर प्लान सी का भी दिखा देता हूँ ताकि आपको उस हवाले से क्लियर अंडस्टैंडिंग मिल सके क्योंकि काफ़ी ना ऑलमोस्ट सी सी के सामने आ गया अब यहां से ना जो ये वाला स्पोर्ट्स वैली का ये वाला एरिया बनता है अप्रोसीमेट अपोजिट टू जो एक्जेक्टिव वन ब्लॉक है कैपिटल स्मार्टी का उसके अपोजिट साइड पर आता है अब यहाँ पे इसके बैक साइड पर देखें तो आपको इस जो एरिया के अलावा ये स्पोर्ट्स वैली की प्रिमिस हैं अब स्पोर्ट्स वैली की प्रीमिस के अलावा ये जो एरिया मैंने एक्सप्लेन किया सारा स्पोर्ट्स वैली का है इस पॉइंट पे आके ना यानी जो को यहाँ पे एक ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आके आपको डिफेंस रोड मिलता है जहाँ से आप कनेक्टिविटी लेके दोबारा चक्री रोड पे आ सकते हैं फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है तो इस पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ कितना डिस्टेंस बनता है कि जहाँ से आप दोबारा एक्सेस लेके चक्री रोड पे आ सकते हैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बनता है साढ़े तीन किलोमीटर का यहाँ से आप चक्री में चक्री ब्लॉक में चक्री रोड पर एंटर हो सकते हैं फ्रॉम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक अगर हम बैक साइड से देखें तो ये जो संगराल का एरिए सारा ओवरसिस ब्लॉक में आ जाता है और संग्राल की बैक साइड पे सारा जो यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में यहाँ पे वाटर फ्रंट ब्लॉक है आवामी ब्लॉक के हवाले से भी कुछ आइडिया नहीं है कि उसकी लोकेशन कहाँ होगी मोस्ट प्रॉब्बली वो मोटरवे के अपोजट साइड पे होगा इस डिस्ट्रिक्ट में ये डाउन टाउन है ब्लू वर्ल्ड सिटी का ही अच्छा याद रहे चक्र रोड से अपोजिट साइड पर मेजोरिटी जो लैंड है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ही आ गई है अपोजिट साइड पर यानी कि ये गेट है अगर इस गेट से अपोजिट साइड पर सारा ब्लू वर्ल्ड सिटी आता जा रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और सेकंडली ये वाटर फ्रंट वाली साइड से देखें तो ये पीछे डाला रोड है अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजाम अडाला रोड पे ये जो ये वाला पॉइंट बनता है चौंतरा वाली साइड पे इस साइड से जाके अडाला रोड को तकरीबन कनेक्टिविटी ले चुकी है तो टेक्निकली डाला रोड फिर उसके बाद पीछे आता है इधर चक्री रोड चक्री रोड से ऑपोजिट साइड पर मोटरवे वाली साइड आती है और मोटरवे वाली साइड से ऑपोजिट जाके आप बड़ा ईजिली यानी कि जो ऑपोजिट साइड है मोटरवे की एम वाली साइड की इस तरफ भी जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस यानी कि यहाँ पर वो पार्ट बनता है इस साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रक्योरमेंट कर लिया तो फ्यूचर में यहाँ से गली जगीर रोड से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से ब्लू वर्ल्ड सिटी मेन बल्ल बनेगा मोटरवे क्रॉस करेगा ऑपोजिट साइड पर डाउनटाउन, डाउनटाउन से फिर दोबारा गेट वन गेट वन से फिर बैक साइड पर स्पोर्ट्स वैली ओवरसीज ब्लॉक एंड देन अड्याला रोड तो ऑलमोस्ट जब रिंग रोड बनेगा तो यहाँ से फ्रंट आ जाएगा चक्री वाले फ्रंट से भी नज़दीक होगा तो इस तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्यूचर जो है आगे जितनी कहते हैं डेवलपमेंट करनी है सिर्फ आपको लैंड मौजूद होनी चाहिए अगर आपके पास लैंड है तो डेवलपमेंट तो किसी वक्त भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट हो जाती है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की सबसे अच्छी बात यह कि इनके पास मैसिव सिर्फ तादाद में लैंड मौजूद है अगेन बैक टू एल्टम फोटेज इस गूगल अर्थ पर जो मैंने इमेजेस शेयर किए हैं उसमें सिर्फ जनरल ब्लॉग का जो मैप पे है मैंने पेस्ट किया था तो इस पर गूगल अर्थ पर अब मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में थोड़ा सा इसमें क्योंकि काफी टाइम लगता है गूगल अर्थ पे इसको प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ पेस्ट करने में तो जब मैं उसको पेस्ट करके मुकम्मल कर लूँगा तो उसके हाल से मैं डिफरेंट सेक्टर्स की अगेन टाइम टू टाइम वीडियोज़ बनाता रहा करूँगा जिसमें उन सेक्टर्स के डेवलपमेंट को हाईलाइट करता रहा करूँगा अभी जो एरियल फुटेज देख रहे हैं प्लस जो ग्राउंड फुटेज देख रहे हैं ये सारा के सारा स्पोर्ट्स वैली का एरिया है और स्पोर्ट्स वैली के इसी एरिया से ये बेसिकली जो स्टेडियम की चारदीवारी होती है चारदीवारी से बता दें कि जो चार इर्द गिर्द रोड होती है ये वो रोड है और इस रोड से बेसिकली अगर आप थ्री सिक्सटी डिग्री में घूमते हैं तो इस सारे स्टेडियम के प्रीमिस में घूम रहा हूँ और इससे अगर आप लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो जैसे मैंने वीडियो में अभी गूगल अर्थ पर एक्सप्लेन किया था कि जहाँ से एंट्री पॉइंट बनता है यानी कि डिफेंस रोड या चक्री रोड से ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है उस पॉइंट की तरफ जाता है ये वो रोड है जो सीधा तरफ जा रहा है बाकी राइट साइड पर सारा जो है वो आपका कमर्शल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्टेडियम बनेगा स्टेडियम के साथ साथ उसके थ्री सिक्सटी डिग्री में सिर्फ और सिर्फ कमर्शल हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी और लेफ्ट साइड पर सारा जो है वो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वैली का है जहाँ पर इस वक्त जो है आबादी के लिए यानी कि जो रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं पाँच मरला सात मरला दस मरला किनाल दो किनाल इस तरह के जो प्लाट्स हैं उनके लिए प्रॉपर्ली डेवलपमेंट की जा रही है मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक से क्योंकि इसके डेवलपमेंट एज कंपेयर टू बाकियों से अच्छी जा रही है सेकेंड इज ओवरसीज ब्लॉक थर्ड इज़ जनरल ब्लॉक एंड फोर्थ इज अवी ब्लॉक इस हवाले से मैं सीरीज़ बना दूंगा जिसमें तमाम ब्लॉग्स के हवाले से मैं डिटेल से आपको अपडेट कर दूंगा सामने आपको गेट नज़र आ रहा है जहाँ से ब्लू वर्ल्ड सिटी दूसरे एंड पे निकलता है विकास दिस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लाम में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए हो, तो एक नंबर पर रब्ता करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़